हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मियों के सीजन का ये गुजरात का बहुत ही फेमस बर्फ गोला। तो इसे आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ हमने बर्फ़ लिया है और ये कद्दूकस, तो ये हमारा घर का जमाया हुआ बर्फ़ है और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कद्दूकस करना। तो अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल मार्केट जैसा हो गया है और ये देखिए। तो अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे क्योंकि वहाँ बाउल या प्लेट पे सर्व करते हैं। तो इस पे हल्का सा हम जगह बना देते हैं आइसक्रीम डालने के लिए क्योंकि हमें बीच में आइसक्रीम को कवर करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ आइसक्रीम डाल दी है। आप किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर से और बर्फ़ डाल के इसको इस तरह से कवर कर देंगे। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निकाल देंगे। अब इसके ऊपर जाएगा रौबजा यानी कि लाल शरबत, खट्टा मीठा फ्लेवर और ये लेमन फ्लेवर। अब इसके ऊपर जाएगा अमूल मलाई और ये रबड़ी, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जाएगा ऑरेंज फ्लेवर। तो यहाँ आप अपने हिसाब से और कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा ये ड्राई फ्रूट्स, तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा ये और रौबजा, ये ऑरेंज फ्लेवर। अब इसके ऊपर से जाएगा नींबू, हमने लेमन फ्लेवर पहले भी यूज कर लिया है लेकिन ये ऑप्शनल में है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और ये ऊपर से थोड़ा सा अमूल मलाई और ऐड कर देंगे। और ये आइसक्रीम, तो मैंने पहले भी बोला आइसक्रीम आप किसी भी फ्लेवर की ऐड कर सकते हैं। और ये ऊपर से हल्का सा इमली की चटनी। और अब हम इसको हल्का सा डेकोरेट कर देंगे। तो ऊपर हमने ड्राई फ्रूट रख दिए हैं। और ये हल्का सा सिकंजी पाउडर। और यहाँ से हमने ये हल्का सा बचा था रौबजा, तो इसको भी ऐसे डेकोरेट कर दिया है। तो ये हमारा बर्फ़ का गोला रेडी है और अब हम इसको एक घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। और ये एक घंटे बाद फ्रीज होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बहुत अच्छा दिख रहा है। तो घर पे बनाने का यही फ़ायदा है, ऐसा करके तो मार्केट में भी नहीं मिलता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा। जो चीज़ें ऐड करना है उसे ऐड करिए, जो नहीं पसंद है उसे स्किप करें। तो इसी तरह वेट करते रहिए मेरे एक नए वीडियो के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।